जय श्री राधा माधव, सद्गुरुदेव, भगवान की जय हो। पूज्य श्री देवदास पहाड़ी बाबा जी की सिद्ध वाणी का चमत्कार। दिल्ली के एक दंपत्ति के घर में रंग पुताई करने वाले लोगों ने उनके एक लौते पुत्र की और पिता की हत्या कर दी और धन लेकर भाग गए। दोनों बैंक में नौकरी करते थे। घर आने पर दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए और रोने चिल्लाने लगे। वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया और बार बार आत्महत्या की ही बात करता रहता। उसके साधु भाई अच्छे साधक थे और श्री खाकचोक वाले श्री देवदास पहाड़ी बाबा के चरणों में बहुत श्रद्धा रखते थे। उस व्यक्ति को लेकर वे वृंदावन खाकचोक पधारे और बाबा से कहा कि ये पुत्र शोक में बार बार मरने की बात करते हैं, कृपया कुछ समाधान करें। बाबा कड़क साधु थे। उन्होंने कहा, कोई संसार का व्यक्ति मरता है तो इससे हमें क्या, मरना ही है तो यहाँ क्यों आया, सीधा जाकर मर जाता। अब आ ही गया है तो ये बता कि आत्महत्या करने से क्या हो जाएगा, जाकर राम राम कर। व्यक्ति बहुत दुखी होकर रोने लगा। उसने कहा, बाबा हमें ये सब नहीं पता, हम संतान के लिए बहुत दुखी हैं। हमारे साधु भाई ने कहा है कि संत भगवान से भी बड़े होते हैं, संतों में श्रद्धा रखने से कल्याण होगा। इसी बात को सुनकर मैं यहाँ आने को तैयार हुआ हूँ। बाबा ने कहा, ठीक है, हो जाएगी संतान। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि अब किसी भी उपाय से मेरी संतान नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी पत्नी के गर्भ के कोई रोग हो गया था और डॉक्टरों ने गर्भाशय निकाल लिया। आप कहते हो संतान हो जाएगी, ये बड़ी विचित्र बात है। बाबा बिगड़कर बोले, क्या डॉक्टर संत और भगवान से बड़े हो गए क्या? एक बार कह दिया ना राम जी संतान देंगे तो देंगे। साधु भाई समझ गए कि बाबा बिगड़ गए हैं। उसने कह दिया कि अब यहाँ से चलो, आगे कुछ मत बोलना। एक वर्ष बाद उनके यहाँ कन्या का जन्म हुआ। डॉक्टरों को समझ नहीं आया कि जिसका गर्भाशय निकाल दिया उसको बच्चा कैसे हो गया। डॉक्टर भी बाबा का चमत्कार देखकर दर्शन करने आए। अब हर वर्ष वह पति पत्नी आश्रम में सेवा करने आने लगे। एक दिन उस छोटी कन्या की माँ ने कहा कि जाकर बाबा से अपने लिए एक भैया मांग ले। वह कन्या बाबा के पास जाकर बोली, बाबा मुझको एक भैया चाहिए, भैया दे दो। बाबा बोले, किसने सिखाकर भेजा तुझे? कन्या बोली, मेरी माँ ने कहा था। बाबा ने उसकी माँ को बुलाकर पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और अगले वर्ष उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। बोलो संत भगवान की जय। जय श्री राधा माधव।